अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, अल्लाह करम में हम लोग भी ठीक हैं आप लोग की दुआ से। चलिए आज हम लोग क्या बना रहे हैं देखते हैं, ये कौन सी डिश है आप लोग पहचान गए होंगे। तो देखिए गाइस, अभी मैंने ये प्याज ली हूँ, चार प्याज है जिसमें से हम एक पीस लेंगे और तीन को हम कटिंग करेंगे, क्योंकि एक पीसेंगे इसके लिए कि मिर्ची, हरी मिर्ची पीसनी है ना साथ में। तो अभी अदरक लहसुन तो मेरे पास पिसा रखा है, ये देखिए, तो उसके लिए थोड़ा सा मसाला लगेगा तो कैसा पिसा जाएगा, इसके लिए मैं एक गड्डी प्याज पीसूंगी, ठीक है। अब मैं इसको कटिंग करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए गाइस, इस तरह से ये प्याज काटनी है हमें ऐसी ऐसी, ताकि जल्दी गल जाती है, ठीक है। और अभी मैं ये प्याज और हरी मिर्ची इसमें मैं पीसूंगी। हरी मिर्ची मैंने ज़्यादा नहीं ली हूँ क्योंकि तीखा ना हो जाए, बस ये कौली सी मिर्ची है, तो बस अभी इसे हम पीसेंगे, ठीक है। और अब मैं अच्छा इसे पीसती हूँ फिर बताती हूँ। और इसमें ये एक बड़ी इलायची बस, और थोड़ा सा ज़ीरा, ये अपने को पीसना है। ये देखिए गाइस, चलिए अभी हम लोग काम शुरू करते। मैंने चूल्हा जला दी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और मैं अभी कुकर रखी हूँ, तो बस कुकर का थोड़ा सा पानी सूख जाए तो फिर हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ये देखिए, ये होएगा 2.5 चम्मच होएगा, अंदाजे से मैंने डाली हूँ, ये 2.5 चम्मच होएगा, ठीक है। और अब तेल गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें ये मसाले ऐड करेंगे। मसाले देखिए, 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 5-6 छोटी इलायची और लौंग और शाहजीरा और प्याज। तो ये हम सब डाल देंगे इसमें, पहले थोड़ा सा गरम मसाला डाल के देखेंगे, ट्राई करेंगे, थोड़ा सा तड़तड़ होएगा तो उसके बाद में प्याज डाल। तो चलिए देखिए, अभी ऑयल गरम हो गया तो हम सारे गरम मसाले इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखो हो गया ना चट 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 चट। अभी हम इसमें ये डालेंगे प्याज, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और इसे हम थोड़ा भूनेंगे। तो देखिए ये प्याज सिर्फ कच्ची पकी हुई है, जैसे सॉफ्ट हो गई है, तो अब हम इसमें ये गोश्त ऐड करेंगे, इसे लाल नहीं करना है, ये गोश्त हम ऐड करेंगे। गोश्त है 1/2 किलो करीब, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आधा किलो ही होगा अंदाजे से, क्योंकि मेरा घर में रहता तो मैं निकाल के उस तरह से अंदाजे से रखती हूँ, थोड़ा कम ज़्यादा होगा ऐसा कुछ नहीं, लेकिन क्या है। तो इतना ये इसमें हम भून लेंगे, इस हद तक चेंज हो जाए कलर गोश्त का। तो देखिए गाइस, अभी ये भून गया है मेरा सालन, ये सालन नहीं, गोश्त बराबर से भून गया। देखिए पानी भी सूख गया, इसमें दिख नहीं रहा है। अभी हम इसमें लहसुन अदरक डालेंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसमें लहर करेंगे भर के चम्मच, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, और अदरक भी हम इसी तरह ऐड करेंगे भर के 1 चम्मच, ठीक है। तो बस अभी इसे हम भुनेंगे अच्छे तरीके से। तो देखिए गाइस, ये अभी भुन गया है थोड़ा। अब इसमें हम ये डालेंगे मिर्ची का पेस्ट, मिर्ची और प्याज जो पीसे हमने वो पेस्ट डालेंगे इसमें। और इस बीच मैंने नमक ऐड कर दी हूँ, तो नमक आप अपने हिसाब से ऐड करिए, ठीक है। बिस्मिल्लाह, अब इसे भी हम भुनेंगे अच्छे से, ये पूरा मैं भी साफ करके डाल दूँगी। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे, बिस्मिल्लाह, और थोड़ी सी हल्दी। मैंने ये 1 चम्मच डाला है धनिया और थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि थोड़ा सा कलर रहने के लिए, ठीक है। अभी इसे हम भुनेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए भुन गया है, बिल्कुल भुन गया है,
और इसमें तेल छूट रहा है मस्त से, तो अभी हम इसमें पानी ऐड कर देंगे बस गोश्त गलाने के लिए पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह, मैं वही जार का सब दिखे धो के डाल दी हूँ पानी इसमें, ठीक है। बस ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी क्योंकि गोश्त एकदम बच्चे का तो गल जाएगा जल्दी से। हम कुकर का ढक्कन लगा दिए और इसके बाद में बस दो सीटी बचेंगी तो मैं देखूँगी गल जाएगा गोश्त। तो देखिए गाइस, अभी मैं इसको फेंटूँगी दही को। ये देखिए मैंने दही फेंट दी हूँ और दही थोड़ी खट्टी लग रही है मुझे, थोड़ी सी खटास लग रही है तो मैं ज़्यादा दही नहीं डालूँगी इसके लिए। मैंने निकाल दी थोड़ी दही, न तो मुझे पूरी डालनी थी उतनी, आधा किलो दही, तो खट्टा ना हो जाए इसके लिए मैं इतनी दही डालूँगी, थोड़ी निकाल दी, ठीक है। आधा किलो में थोड़ी सी कम है दही, कोई वैसे बात नहीं, थोड़ी सी खटास है, ज़्यादा नहीं है। तो मैं ज़रा गोश्त हो जाए गल जाए तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी। देखिए गाइस, इसमें मेरा हो गया है, गोश्त गल गया है इसके, देखिए कितनी तरी छूट गई है। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह रखना। अरे यार तुम लोग, मेरा वीडियो चालू है। ये देखिए अब ये हो गया है, बस इसको भून के अच्छे से। ये देखिए, ये कोथमीर और हरी मिर्ची, देखिए गाइस ये पूरी मैंने दही डाल दी हूँ मैंने, और जो बचाई थी थोड़ी मैंने डाल दी हूँ, खटास नहीं है इसके लिए, सालन में नहीं लग रहा खट्टा, थोड़ा सा मैंने चखी इसके लिए मैंने पूरी दही डाल दी। ये दही नहीं रहेगी तो मज़ा नहीं आएगा इतना इसमें। अच्छे से भुने 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 भूनते जाओ। अब हम इसमें वाइट पेपर थोड़ा सा ऐड करेंगे, नमक तो परफेक्ट है, खाली वाइट पेपर थोड़ा सा ऐड करना है। देखिए बिस्मिल्लाह रखो, और इसे अच्छे से भुनेंगे। ये देखिए गाइस, ये हो गया है, देखिए पूरा तेल सेपरेट हो गया है साइड में। अब हम इसे डिश आउट करेंगे, ठीक है। ये हो गया है, बस देखिए डिश आउट हो गया। इसी तरह आप लोग भी करिए डिश आउट, और आप लोग भी इसी तरह बनाइए। इसे कहते हैं दही गोश, इसे कहते हैं दही गोश, और आप लोग भी इसी तरह बनाइए अपने अपने घरों में। और कैसी ये डिश बनी है आप लोग बताइए। ये है मेरी स्टाइल में दही गोश, ठीक है। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाथ बढ़ा के सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। तो ठीक है गाइस, चलिए दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।